देख रहे हैं BS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, वसई में अगर हम विकास की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आज हर घर में टू व्हीलर तो है ही है, यानी कि दुपहिया गाड़ी हर घर में आपको मिलेगी। इस विकास में अगर हम बात करें तो वसई के रहने वाले अशोक गुप्ता का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने होंडा में रहते हुए कई तरह की स्कीमें निकाली और एक रुपए मात्र डाउन पेमेंट पर भी लोगों को गाड़ियां दी। आज भी ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब ये अपना खुद का मल्टी ब्रांडेड शोरूम चला रहे हैं जिसका नाम है प्राइड मोटर्स। लिहाजा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में VS नेशन ने चुना है अशोक गुप्ता को, वसई का गौरव। अशोक जी, आप कई वर्षों से वसई में ऑटोमोबाइल की लाइन में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है लाखों लोगों को आपने यहाँ टू व्हीलर बेचा होगा। पहले आप आदित्य होंडा के साथ थे, उसके बाद पर्सनल खुद भी कर रहे हैं काफी समय से। तो आप अपने इस लाइन को चुनने का क्या रीजन था आप इसी लाइन में ऑटोमोबाइल? सर, बेसिकली क्या था, मैं जब कॉलेज में था तब चाहता था कि मैं टू व्हीलर लूँ और वो एज ऐसा रहता है कि उससे जुड़ जाए और सही समय पर सही गाइडेंस मिला तो मैं ए लाइन में आ गया। मैं अब तक मुझे लगता है कि 18 साल हो गए मुझे ए लाइन में। 18 साल हो गए पूरे। तो 18 साल में गाड़ियों में क्या परिवर्तन आया और कस्टमर की सोच में क्या परिवर्तन आया? सर कैसे हैं, पहले जो गाड़ियाँ थी वो कंफर्ट के साथ लग्जरी तो रहती थी बट लग्जरी एक अलग सेगमेंट रहता था, वो महंगी आती थी। आज BS6 रेवोल्यूशन जो आया हुआ है उस पर कम्फर्ट के साथ लग्जरी भी है और गाड़ियाँ भी काफ़ी प्रोडक्शन होने की वजह से सस्ती भी आई। ब्रांडेड कौन से तब चल रहे थे और आज कौन से चल रहे हैं? आज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, अगर अपने इंडियन मार्केट में देखेंगे तो टाटा, महिंद्रा और मारुति, बजाज, TVS इंडियन मार्केट का ही बोलबाला है अपने इंडिया में। तो अभी जिस समय हम बात करें टू व्हीलर में, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री किसको आप रेंज करेंगे? असल मैं रेंज करूँ उससे अच्छा मार्केट ऐसा है कि आज पूरे इंडिया में टू व्हीलर में अगर देखेंगे तो हीरो होंडा नंबर वन पे आता है, होंडा सेकेंड नंबर पे आता है, फिर TVS आता है, फिर बजाज आता है। ऐसा नहीं कभी लगा कि ये लाइन बोरियत हो गई हो, 18 साल से आप एक लाइन कर रहे हैं? नहीं सर, क्या है सर, हर मेरा ऐसा मानना है ना कि हर लाइन का कभी ना कभी तो एक एंड होता है, बट टू व्हीलर जो है उसका लीड हमेशा रहेगा, हमेशा ही रहेगा। कोई लाइन अगर जैसे पहले इंश्योरेंस सेगमेंट था, IT सेगमेंट था, जैसे ऑटोमोबाइल के सेगमेंट है, ये सालों साल चल रही है क्योंकि टू व्हीलर का लीड हर किसी को होना ही है। ट्रैफिक वाला एरिया हो या लॉन्ग ट्रांसपोर्ट वाला एरिया है, टू व्हीलर तो रिक्वायरमेंट हर किसी को है। तो वसई जैसे क्षेत्र में आज मेरे को लगता है हर घर में टू व्हीलर है जी, उसके बावजूद आपको कंपटीशन भी है मार्केट में, तो किस तरह आप अपनी सेल बढ़ा पाते हैं और किस तरह लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं? अच्छे ऑफर देने से और अच्छे चॉइसेस देने से और कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं उनका फुलफिल कराता हूँ, उनकी डिजायर फुलफिल कराता हूँ। उसके अलावा अगर किसी को टू व्हीलर मार्केट में पेट्रोल इंजिन, इलेक्ट्रिक इंजन जो भी कोई अवेलेबल उनको चाहिए रहेगा मैं करा के दे दूँगा। वसई में ही आप सीमित रह गए, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बॉम्बे जाया जाए या कहीं और बड़ी अपने बिजनेस को? मैं बॉम्बे में बेसिकली मलाड में जो होंडा का शोरूम था वहाँ पर 4 साल एज ए CEO के पोस्ट पर काम किया। उसी के साथ मेरा वसई में अपना एक आउटलेट है, शोरूम है, जहाँ पर मैं बेसिकली कोविड में जो फूड पांडा वाले हैं, जो स्विगी वाले हैं, जो जोमेटो वाले हैं, उनको मैं 1-1 रुपये डाउन पेमेंट में भी गाड़ियाँ दिया हूँ ताकि उनका काम चले। बैंक से ऐसा स्कीम ला के लोगों को दिया कि उनका डाउन पेमेंट ना होने के बाद भी वो खाली EMI पे अपना काम चलेंगे। आजकल तेज़ी से पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस तरह वो अच्छी हैं या क्या उनका भविष्य क्या होगा? जी कैसे एकदम पहले जितना भी इंजन या जितना भी यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या इंडस्ट्री सेक्टर हो, उस पर जो भी हम उससे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, चाइना में बहुत ज़्यादा है, इंडिया आज मुझे लगता है 3rd नंबर पर आता है और उसके इसमें, तो EV ये एक अच्छा विकल्प है और मुझे लगता है 2025 से
काफ़ी दूर हो गए इस बात के अगर, क्योंकि आज ईवी गाड़ी लेने वाले को गवर्नमेंट सब्सिडी भी कर देगी, काफ़ी अच्छी चीज़ है। 18 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो ऐसे में कोई नए इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे इस ऑटोमोबाइल फील्ड में? ऑटोमोबाइल फील्ड में काफ़ी अच्छा स्कोप है, मगर अगर उसको कायदे से और सही तरीके से किया जाए तो आज हम बड़े बड़े एजेंसी में भी लग सकते हैं। 18 साल में आपने हर ब्रांड की गाड़ी बेची है ना, फिर भी कोई ऐसा ब्रांड जिसमें कंप्लेंट बिल्कुल ना आती हो आपके समझ में, ऐसा कौन सा ब्रांड? कंप्लेंट बिल्कुल ना आना ऐसा तो नहीं है, मगर अगर किसी प्रोडक्ट में अगर कंप्लेंट आता है या असेंबली लाइन में कोई इशू आता है और कंपनी को पता चलता है कि इतने इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें इशू आया है या प्रॉब्लम आया है, तो कंपनी रिकॉल करके वो गाड़ी रिटर्न मंगाती है, या फिर वो गाड़ी में अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है इंजिन में तो रिप्लेस कराती है। सर 18 साल से आपने हजारों गाड़ियाँ बेची हैं, तो एक गाड़ी को अपन अच्छा स्मूथ चलती रहे सालों साल, यानी कि 15 साल तक उसका पीरियड है तो 15 साल तक अच्छी चलती है, उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए अपने को? इसमें सबसे बड़ी बात सबसे अच्छी बात ये है कि गाड़ी का मेंटेनेंस पे ध्यान रखना चाहिए, उनका प्रॉपर सर्विस कराना चाहिए, जरूरी कि वो आप कहीं अच्छी जगह पे कराते हैं या कहीं कराते हैं, पर अच्छे से यानी आपको रेगुलर चेकअप उसका कराना चाहिए और हर 1500 या 2000 किलोमीटर जैसे भी आप फिक्स करते हो उसके दौरान आपको हर 15 से 2000 किलोमीटर के बाद आपको ऑयल गाड़ी का चेंज करना है, ये गाड़ी अपना सालों साल और लंबे टाइम तक चलेगी, कोई खर्चा नहीं आएगा। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का युग आ गया तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप भी कोई प्लान कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ टाई अप होने की या कोई एजेंसी लेने की? जी, मेरा एक्चुअली काइनेटिक के साथ बात चालू था और उन्होंने मैंने उनको अप्रोच किया और उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया भी कि हम आपको वो देना चाहते हैं, बट उसके साथ में मैं अथर इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसका डीलरशिप लेने के लिए उनका एप्लीकेशन भेजा, वो अगर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो अथर के लिए। तो अथर आपने एक्सपीरियंस किया उस गाड़ी के, कितना लाइफ हो सकता है उनका? सबसे बड़ी बात है आज के तारीख में अपने वसई विरार या इंडिया में घूमकर जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो 40 मिनट है, तो अच्छा ब्रांड अगर आपको लेना है तो आप अथर लीजिए, आप ओकिनावा में लीजिए, आप हीरो इलेक्ट्रिक लीजिए या TVS की अभी गाड़ियाँ आ रही हैं वो लीजिए, ये सारी गाड़ियाँ लोगे तो आपको गाड़ी के साथ में इंजन का इंजन तो है नहीं, उसमें मोटर का बैटरी का हर चीज़ का वारंटी मिल जाएगा, अगर आप ऐसी कोई छोटा मोटा गाड़ी ले लेंगे तो आप पछताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन का सिस्टम या कोरोना का सिस्टम आया गाड़ियों के रेट सीधा जंप किए 30-40 हज़ार, उसका क्या रीज़न है? सर बेसिकली क्या है, कोरोना में तो फाइनेंशियल हर किसी को प्रॉब्लम था, अपना इकोनॉमी भी थोड़ा आगे पीछे चल रहा था, बट ऑटोमोबाइल लाइन तो काफ़ी अच्छा बूम हो गया क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग चाहते थे कि उनका खुद का गाड़ी हो, वो शेयरिंग या रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो खुद की गाड़ियाँ हो उसी के चक्कर में ये गाड़ियाँ अच्छी बिकी है। दूसरी बात, गाड़ी ज़्यादा बिकी इसीलिए गाड़ी का रेट बढ़ा, गाड़ी का रेट बढ़ने का रीज़न ऐसा है कि पहले अपने यहाँ पे चलता था BS4 EP, आज जो अपने यहाँ पे चल रहा है वो BS6 EP। BS6 इंजन में जैसे कि पहले कार्बोरेटर पे गाड़ियाँ होती थी, आज फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियाँ हैं जिससे पॉल्यूशन कम होता है, उसके बाद में अगर छोटा सा चेंजेस देखो तो हम गाड़ियाँ जब चलाते थे पहले BS4 वाली तो हेडलाइट दिन में चालू नहीं होती थी, चालू करेंगे तो ही होती थी, मगर अभी जो गाड़ियाँ हैं वो दिन में भी उसके हेडलाइट चालू रहती है, उसका रीज़न ऐसा है जैसे धुंध हो या रात के समय में या दिन के समय में ऐसे समय में सामने वाला गाड़ी देख नहीं पाता, तो लाइट चालू होना जरूरी है जिससे एक्सीडेंट भी कम हो। अभी लास्ट ईयर जो है अशोक जी फ्लड आया था यहाँ पे बहुत, और बहुत गाड़ियाँ डूब गई थी, बहुत गाड़ियाँ मेरे कई दोस्तों ने कई लोगों ने नई नई गाड़ियाँ ली थी वो भी डूब गई, तो बाद में उनको तकलीफ आई उसका क्लेम सेटल करने में या डीलर के पास उन्होंने उसको सही नहीं करके दिया, उनको तंग किया, तो इस तरह का ऐसे भी कंप्लेंट्स आपके पास पूछ आई थी? सर कैसे है ना, बेसिकली पानी तो हर जगह भरा हुआ था, तो ये जो प्रॉब्लम है
वो एक दो गाड़ी में तो थी, बहुत सारे लाखों गाड़ियों में ये प्रॉब्लम थी। जो गाड़ियों के ओनर है उनकी भी, और जिन्होंने गाड़ी मैन्युफैक्चर करके अपने वेयरहाउस में रखी उनके भी। अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर वो गाड़ी वारंटी में भी बना सकता है, वो गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम में भी डाल सकता है। बट क्या होता है, कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, गाड़ी में पानी भरा हुआ है या डूब गई है, दो चार दिन में गाड़ी का पानी उतर जाता है, तो हम खुद उसमें आरएनडी करते हैं या लोकल गैरेज वाले को बुला के खोलते हैं, देखते हैं गाड़ी के इंजन में अगर ऑयल होगा नहीं और हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा टूट फूट जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। और वो सब करने के बाद अगर हम डीलर को बोले या इंश्योरेंस कंपनी को बोले, तो इंश्योरेंस कंपनी का या डीलर का ऐसा है, अगर आपकी गाड़ी कहीं बंद पड़ जाती है आप हमें कॉल कीजिए, हमारा आदमी आएगा, वो सब आपको करके देगा। उसके पहले ही अगर उसको लोकल मैकेनिक या कोई उसको खोल देता है तो वारंटी या इंश्योरेंस लैब से जाते हैं। धन्यवाद, आपने काफ़ी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल VS Nation सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।